लो इस क्वेश्चन आपके सामने पांच आयंस दिए हुए हैं और बोला गया है इनमें से किन का स्पिन ऑनली मोमेंट सेम होगा तो ध्यान देना जो स्पिन ऑनली मोमेंट होता है उसका जो फार्मूला होता है फार्मूला होता है रूट ओवर एन एन प्लस टू बोर्स मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है यहाँ जो एन होता है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिंपली अगर आपका अनपेड ट्रॉन अगर सेम होगा अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसका माइटी अमाउंट भी क्या आएगा सेम आएगा तो सिंपली आपको पता करना था कि इन आयन में से किनका का अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आएगा तो आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए तो अगर हम बात करते हैं टी आई प्लस थ्री का तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन थ्री डी वन इसका जो अनपेल ट्रॉन होगा ये होगा वन अगर हम सी आर प्लस टू का बात करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन थ्री डी फोर और इसका अनपेल्टोन होगा फोर हम बात करते हैं एम एम प्लस टू का तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन थ्री डी फाइव और इसका अनपेल्टोन होगा फाइव एफ ए प्लस टू का जो कॉन्फिगरेशन होगा लो ये होता है आर्गन थ्री डी सिक्स और इसका अनपेल्टोन क्या होगा अनपेल्टोन होगा फोर स्कैनिम जो प्लस थ्री होता है इसका कॉन्फ्रेशन होगा आर्गन और इसका थ्री डी मिल्ट्रॉन होगा जीरो यानी इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या होगा जीरो होगा अब जो अनपिल्ट्रॉन है उसको सिंपली आप कैसे पता कर सकते थे तो अगर आपको पता है कि डी जो है डी में कितना ऑर्बिटल्स होते हैं तो डी में आपके पास टोटल पाँच ऑर्बिटल होते हैं तो जब इसको आप फिलअप करते हो थ्री को तो आप पहले इसको सिंगली फिलअप करते हो और उसके बाद पेयरिंग होता है तो पहले डी हो गया डी हो गया डी D4, D5 यानी D1 वन में अनपेड एक होगा D2 में दो होगा D3 में थ्री होगा D4 में फोर होगा D5 में पाँच अनपेड होगा डी के बाद इसमें पेरिंग होना स्टार्ट होता है तो डी सीज में अनपेड कितना होगा फोर D7 होता तो क्या अनपेड होता तीन D8 में दो D9 में एक और D, D10 में जीरो अनपेड होता तो इस तरीके से आप अनपेड अपेयर आप निकाल सकते थे तो ध्यान देंगे आप देखो कि किस किस आयंस का आपका अनपेल्ड रोन सेम होगा तो आप देख रहे हो ऑप्शन जो बी है सी आर प्लस टू एंड आपका जो ऑप्शन डी है ए पी प्लस टू उनका अनपेल्ट्रोन क्या है सेम है तो इनका मैंटीबॉन का वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड एनालिसिस मूव लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एटम मेंशन किया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन सिलिकन और बोला है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग अरेंज करना आपको तो आपके सामने एक टेबल से किया जहाँ पे इन सारे एलिमेंट का एलेक्ट्रोनिट्रविटी का वैल्यू लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे ऐसे भी आपको पता है कि फ्लोरीन का जो एलेक्ट्रोटी हाइस्ट होता है तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है नाइट्रोजन होता है तो ये तो आपको पता होना चाहिए एफ ओ एन तो एफ ओ एन देखोगे तो एफ ओ एन आपके पास बस एक ही जगह पर दिया हुआ है ऑप्शन वन में तो अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है तो बस इतना याद है जो कि बेसिक होता है कि एफ ओ एन होता है तो आपको याद होना चाहिए था ठीक है अगर बात करते हैं कार्बन एंड सिल्कन में तो कार्बन सिल्कन में बेसिकली क्या है कार्बन सिलिकन तो इस सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो दाउन डू ग्रुप में वैल्यू क्या होता है डिग्रीज करता है तो सिलिकन और कार्बन का हम बात करेंगे तो कार्बन का वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा और उससे कम होगा सिलिकन का तो बिना वैल्यूज के याद किए भी हम आंसर को टिक कर सकते हैं तो सबसे हाइएस्ट होगा एफ फिर ओ फिर एन फिर कार्बन फिर सिलिकन यानी आपका जो ऑप्शन वन होगा करेक्ट होगा और क्वेश्चन कहीं ट्रि, ट्रिकी होता कुछ ऐसे एलिमेंट होते जिसको आपको याद नहीं है या जो ऑर्डर अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो आपके सामने वैल्यूज है उसको आप यूज कर सकते हो बट वैल्यूज़ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो नीट में जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली आसान होता है तो आप ट्रेंड को अगर फॉलो करोगे तो इसे क्वेश्चन ईजिली आपका बन जाएगा ठीक है तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस मूव कर दूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आप सामने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए हुए हैं और बोला इनको आनेसिन थेलपी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो ध्यान देना ड्यू टू जनरल ट्रेंड क्या होता है कि आप ड्यूरिंग पीरियड में आपका अनेसिन थेलपी बढ़ना चाहिए था तो ली एक्सपेक्टेड क्या था तो एक्सपेक्टेड था लिथियम से बड़ा होगा बेरिलियम फिर बोरोन फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन होना चाहिए था अब ध्यान देना ये जो बेरिलियम और बोरोन में आप तो फोकस करो बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है हीलियम 2s2 और बोरोन का होता है हीलियम 2s2 2p1 अब कहीं ना कहीं बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट सबसेल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो फुलफिल्ड है तो जब भी हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड सबिलिटी रीच करता है तो उसके इसमें जो अनैसिनथेलपी होता है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से क्रॉस कर जाता है यानी इस केस में जो बेरिलियम होगा उसका पहले बोरोन को क्रॉस कर जाएगा यानी इसमें जो एक्चुअल वैल्यू होगा अनैसिनथेल्पी का उस के इसमें लिथियम के बाद आ जाएगा बोरोन और उसके बाद आएगा बेरिलियम यानी बेरिलियम का जो वैल्यू होता है बोरोन को क्रॉस कर जाएगा देन कार्बन देन नाइट्रोजन अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका जो करेंट ऑप्शन मैच करेगा हमारे आंसर के साथ ये होगा ऑप्शन टू तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों लोगों के सामने चार एलिमेंट दिया हुआ है और बोला गया इन चारों एलिमेंट में अगर ये नोबल गैस फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके तो सबसे लार्जेस्ट साइज का कौन होगा था तो ध्यान देना इन सब का नोबल गैस फॉर्म करने में जो आयन बनता है उसको मैं लिख रहा हूँ तो एन बनेगा एन माइनस थ्री एन ए बनेगा एन ए प्लस एफ माइनस एन ओ माइनस टू अब ये नोबल गैस बनने के बाद क्या हो गया आइस एलिट्रॉनिक हो चुका है सारा तो आइसो वाले केस में जो साइज होता है इनवर्सिव पॉपोर्सन तो क्या होता है जेड जिसका जेड यानी जिसका एटोमी नंबर छोटा होगा साइज लार्जेस्ट होगा तो ध्यान देंगे सबसे छोटा एटोमी नंबर कौन होगा इसमें तो सबसे छोटा एटोमी नंबर होने वाला है नाइट्रोजन का साथ तो इसका जो साइज होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एन, एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे इस क्वेश्चन आपके सामने पाँच आय दिए हुए हैं और बोला गया इनमें से किन का स्पिन ऑनली मैंटी मोमेंट सेम होगा तो ध्यान देना जो स्पिन ऑनली मैंटी मोमेंट होता है उसका जो फार्मूला होता है फार्मूला होता है रूट ओवर एन एन प्लस टू बोर्स मैग्नेटोन इसका यूनिट होता है यहाँ जो एन होता है ये होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सिंपली अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसका माइट अमाउंट भी क्या आएगा सेम आएगा तो सिंपली आपको पता करना था कि इन आयन में से किन का अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आएगा तो आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए तो अगर हम बात करते हैं टी आई प्लस थ्री का तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन थ्री डी वन इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा वन अगर हम सी आर प्लस टू का बात करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन थ्री डी फोर और इसका अनपेल्टोन होगा फोर हम बात करते हैं एम प्लस टू का तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ए होगा आर्गन थ्री डी फाइव और इसका अनपेल्ट्रॉन होगा फाइव एफ प्लस टू का जो कॉन्फिगरेशन होगा पे चलो ये होता है आर्गन थ्री डी सिक्स और इसका अनपेल्ट्रोन क्या होगा अनपेल्टन होगा फोर स्कैंडियम जो प्लस थ्री होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और इसका थ्री डी मिल्टॉन होगा जीरो यानी इसमें अनपेल्टोन क्या होगा जीरो होगा अब जो अनपेड है उसको तो सिंपली आप कैसे पता कर सकते थे तो अगर आपको पता है कि डी जो है डी में कितना ऑर्बिटल्स होते हैं तो डी में आपके पास टोटल पाँच ऑर्बिटल होते हैं तो जब इसको आप फिलअप करते हो थे को तो आप पहले इसको सिंगली फ़िलअप करते हो और उसके बाद पेरिंग होता है तो पहले डी वन हो गया डी हो गया डी थ्री डी फोर डी फाइव यानी डी वन में एक होगा D2 में दो होगा D3 में थ्री होगा D4 में फोर होगा D5 में पाँच अनपेड होगा डी के बाद इसमें पेरिंग होना स्टार्ट होता था डी सीज में अनपेड कितना होगा फोर D7 होता तो क्या तो अनपेड होता तीन D8 में दो D9 में एक और D, D10 में जीरो अनपेड होता तो इस तरीके से आप अनपेड एपियर आप निकाल सकते थे तो ध्यान देंगे आप देखो कि किस किस आयंस का आपका अनपेड रोन सेम होगा तो आप देख रहे हो ऑप्शन जो बी है सी आर प्लस टू एंड आपका जो ऑप्शन डी है एफ पी प्लस टू उनका अनपेल्ट्रोन क्या है सेम है तो इनका मैंडीमोन का वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड एनालिसिस मूव करता दूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने लेफ्ट कॉलम में एलिमेंट्स का आई यू पी सी नेम लिखा हुआ है और उसके बाद आई यू पी सी का जो ऑफिशियल नेम उसको दिया गया है राइट right में वो लिखा हुआ है दोनों का बोला है करेक्ट मैच क्या करना है आपको तो पहला जो ए में एलिमेंट है अन नील अनियम इसका एटोमी नंबर क्या होगा वन जीरो वन अन नील ट्राइम का क्या होगा वन जीरो थ्री अन निल हैक्सियम का क्या होगा वन जीरो सिक्स एंड अनियम का होगा ट्रिपल वन अब ध्यान देंगे इन एलिमेंट का जो नाम जो होता है आई का जो आई का जो ऑफिशियल नेम है आपके सामने एनसीटी में टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है तो अन नील अनियम यानी वन जीरो वन के लिए नाम रखा गया था मैंडिलियम ठीक है वन जीरो थ्री का नाम यहाँ पे लिखा हुआ ऑरेंशियम वन जीरो सिक्स के नाम क्या लिखा हुआ है सिबोरगियम एंड ट्रिपल वन के नाम लिखा गया है रोंटेनजिनियम ठीक है अब देखेंगे आपका कौन सा इनकार्ड मैच है तो पहला वाला मैच सही था वन ज़ीरो थ्री का मैच भी सही था एंड वन ज़ीरो सिक्स का भी मैच भी सही था जो ट्रिपल वन जो होता है वन 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 होता है उसका नाम यहाँ पर उसका नाम क्या रखा हुआ है रॉन ठीक है यानी सिंबल होगा आर जी बट यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है एक किस एक किसका दिया हुआ ए दिया होगा हंड्रेड हंड्रेड टेन का जो नाम है वो लिखा हुआ है यहाँ पे यानी मैच करेक्ट नहीं होगा यानी इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट मैच होगा ऑप्शन डी तो ऑप्शन डी यानी यहाँ भी डी दिया हुआ तो ये आपका इनकरेक्ट मैच होगा तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे चलो आपको सेकंड पेरियड के एलिमेंट का आनेशन थेल्पी को करेक्टली अरेंज करने के लिए बोला गया है तो ध्यान देना बाय डिफॉल्ट होना क्या चाहिए था कि लॉन्ग द पेरियड जब मूव करते हैं तो लॉन्ग द पीरियड में आपका जो आनेशन थेल्पी है वो बढ़ना चाहिए था आपका जो रेगुलर ट्रेंड यही बोलता है यानी लीथियम बेरेलीम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड एनियन ये ऑर्डर होना चाहिए था बट आप लोग पता है कि कभी कभी हाफ फिट या फुल फिट स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है आपका जो अनेशनल हेल्प का वैल्यूज है वो सेलिटी इंक्रीज करता है तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ्यूरेशन में क्या होता है एस में दो ड्रोन होता है टू एस टू होता है तो बेरिलियम का जो वैल्यू होता है वो बोरोन बोरोन से आगे चला जाता जा 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 है और नाइट्रोजन जो होता है वो पी थ्री कॉन्फ्यूरेशन होता है आउटर मोस्ट में तो पी थ्री कॉन्फ्यशन का जो वैल्यू होगा वो ऑक्सीजन को क्रॉस कर जाएगा तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल ऑर्डर होगा उसमें लीथियम के बाद होगा बोरोन फिर होगा बेरेलीम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरिन फिर नियन अब देखोगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी से हमारा आंसर मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों लोग इस क्वेश्चन में कॉलम वन में कुछ ऑक्साइड दिया हुआ है और कॉलम टू में बताया है इसका नेचर ये न्यूट्रल है कि बेसिक है कि एम्फोड्रिक है तो ध्यान देंगे एन मेटल ऑक्साइड होता है सोडियम ऑक्साइड क्या होगा बेसिक होगा तो वन के लिए बी होगा ठीक है वन के लिए बी सिर्फ ए और डी में दिया हुआ है एल टू ओ थ्री ए होता है एम्फोड्रिक यानी टू के लिए डी होगा वन का बी टू का डी बस कहाँ है ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा बाकी भी चेक कर लेते हैं एन टू ओ एन टू ओ जो होता है क्या होता है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है एन सी एल टू सेवन क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस मूव करता हूँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन ने 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 पे बस चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ ऑक्साइड दिया हुआ और बोला है इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन होगा तो ध्यान ना ये सारा ऑक्साइड ग्रुप टू के एलिमेंट्स का है और ग्रुप टू के एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप में क्या होता है बेसिक नेचर बढ़ता है यानी एसिड बेसिक नेचर क्या होगा इंक्रीज करेगा और एसिडिक नेचर क्या होगा डिक्रीज करेगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें जो सो ऊपर में होगा यानी बेरिलियम ऑक्साइड इसका आंसर होगा बी ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस इस मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एलिमेंट नंबर वन वन फोर को रिसेंटली डिस्कवर्ड किया हुआ है और ए एलिमेंट किस फैमिली या ग्रुप का पार्ट होगा तो ध्यान देना एलिमेंट नंबर वन वन फोर जो है उसका हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या होगा ये होगा आर एन फाइव एफ फोर्टीन सिक्स डी टेन सेवन एस टू एंड सेवन पी टू यानी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा और सेवन पी टू है तो कार्बन फैमिली का पार्ट होगा यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और देखोगे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है किस फैमिली के कॉन्फ़िगरेशन से मैच करेगा उससे आपका ग्रुप या फैमिली डिसाइड हो जाएगा तो ये था इस क्वेश्चन का ना मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों लोगों से सामने चार ऑर्डर दिया हो बोला गया इसमें कौन सा ऑर्डर है जो करेक्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ध्यान देंगे पहला जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एलेक्ट्रॉनगेंथलपी का है और ऑर्डर में फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन दिया हुआ है फ्लोरिन का हाइस्ट होता है गलत होता है इलेक्ट्रॉन एलेक्ट्रॉनगेंथालपी ऑफ ग्रुप सेवेंटी नाइन हाइलोरिन फैमिली में हाइएस्ट होता है क्लोरिन का तो क्लोरिन को आगे होना चाहिए था उसके बाद फ्लोरिन होना चाहिए था एक्चुअल ऑर्डर होता है क्लोरिन फिर होता है फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आइडिन होता है ये आपका एक्चुअल ऑर्डर होता है तो ऑप्शन जो ए है ये हो जाएगा इनकरेक्ट और यही मेरा आंसर होगा बाकी और बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तो अगला जो दिया हुआ है आपका ग्रुप वन का एलिमेंट्स है और इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस में डाउन रूप में बढ़ता है तो ऑप्शन क्या होगा सही है एलमोनियम प्लस थ्री मैग्नीशियम प्लस टू सोडियम प्लस, प्लस एफ माइनस इन सब आइसल्ट्रॉनिक है तो जिसका जेड बड़ा होगा साइज छोटा होगा तो ये भी ऑर्डर क्या होगा करेक्ट होगा नेक्स्ट में ध्यान देंगे बी सी एन ओ फर्स्ट अनथलपी का ऑर्डर दिया हुआ है तो आपको पता है कि फर्स्ट अनेसथेलपी का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा उसमें आपका जो ओ है ओ से एन आगे होना चाहिए अब ओ से जो एन आगे होना चाहिए तो ये भी क्या होगा ऑर्डर क्या होगा इनकरेक्ट यानी इस क्वेश्चन में दो ऑर्डर हो गया इनकरेक्ट ठीक है ऑप्शन ए एन डी

एक बार नेगेटिव बन चुका है तो दूसरा नेगेटिव वो लेने से इससे पहले वो हो, क्या होगा उसको रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा तो आपको एनर्जी दोगे तभी वो ऐड होगा तो अगला जो स्टेप होता है इंडोधर्मिक होता है उसमें एनर्जी आपको देना पड़ रहा है प्लस सेवन एट एट्टी किलोजुल पर मोल अब आपको बोला गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है आउटवे द स्टेबिलिटी गेन बाई अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन यानी वंस आपका एक नेगेटिव फॉर्म कर चुका है तो दूसरे बार अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें आपको हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा ऑल दो नोबल गैस स्कॉलरशिप अचीव कर रहा है बट उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस मूव करता हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बस चलो इसमें कुछ आयनिक रेडिय दिया और बोला कि इसमें कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा तो धन ना पहला जो ऑप्शन है एच माइनस बड़ा होगा ये सही है बट एच प्लस का सही से छोटा होना चाहिए था तो ये ऑप्शन ए क्या होगा इनकरेक्ट सेकेंड वाले में क्या है सारा का सारा आइसोल्ट्रॉनिक है तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए था उल्टा होना चाहिए था जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज क्या होगा लार्ज होगा तो ये भी क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा सी वाले में क्या है सी वाले में केस में भी सारा आइसोटोनिक है तो इस केस में आपका जो ऑक्साइड है उसका साइज एफ माइनस से बड़ा होना चाहिए था तो ये भी क्या होगा इनकरेक्ट होगा डी वाले ऑप्शन में भी सबका सब आइसोटोनिक है तो इसका जेड छोटा होगा साइज बड़ा होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए था इसलिए आपका डी भी क्या होगा इनकरेक्ट यानी इसमें सारा का सारा इनकरेक्ट होगा तो इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है तो इसमें इसका आंसर होगा नन यानी इसमें आप कोई भी टिक नहीं कर सकते थे तो एक था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट ने क्वेश्चन पे बच्चे लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एलिमेंट दिया हुआ है और बोला इसको अरेंज करना है फ्रॉम लिस्ट नेगेटिव इल्ट्रॉगेन थे तो मोस्ट नेगेटिव इल्ट्रॉन्गेन थेल्पी तो ध्यान देना इसमें कोई एलिमेंट कैल्शियम लिया हुआ है ठीक है कैल्शियम के पास अल्मोनियम होगा ठीक है और अल्मोनियम के साथ और क्या क्या लिया हुआ है कार्बन है तो यहाँ पे होता है आपका बोरोन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आपका लिया हुआ है फ्लोरीन तो ये थोड़ा सा आपको मैंने पेयोडेबल में कैसे एलिमेंट अरेंज होगा मैं समझा दिया आपको तो ध्यान देंगे एलेक्ट्रॉनगेन थेरेपी का ट्रेंड क्या होता है डाउन द रूप में क्या होता है घटता है अलॉन्ग द पीरियड में क्या होता है बढ़ता है तो उस ऑटो को फॉलो करेंगे तो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन देन एल्युमिनियम और लास्ट में हो जाएगा कैल्शियम ठीक है तो सबसे लिस्ट नेगेटिव वैल्यू होगा कैल्शियम का देन एलुमिनियम देन कार्बन देन ऑक्सीजन और सबसे हाइस्ट होगा किसका इसका फ्लोरिन का ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलो आपके सामने चार ऑर्डर दिया हुआ और बोला गया है इसमें कौन सा ऑर्डर जो है उसके प्रॉपर्टी के साथ पूरी तरह से मैच नहीं करता है ठीक है तो पहला दिया हुआ है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान तो ना डाउन रूप में अगर हाइड्रोजन एसिड का हम बात करते हैं तो उनका बॉन्ड स्टेनथल्पी क्या होता है डिक्रीज करता है उनका एसिडिटी क्या होता है इंक्रीज करता है पाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा सेकेंड का बात करते हैं तो एस टू ओ से एस टू टी तक क्या होता है डाउन द रूप में क्या होता है बॉन्ड बॉन्डल पर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड थोड़ा आसान होगा तो एसिडिटी क्या होता है बढ़ता है एसिडिटी बढ़ेगा तो उनका पी के क्या होगा घटेगा तो पी के घटना चाहिए था तो ये जो है पी के क्या होना चाहिए था डिक्रीज होना चाहिए था डाउन द रूप में एसिडिटी बढ़ा तो पी के क्या होगा घटेगा तो पी के घटना चाहिए था जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक बाकी बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में जो हाइड्राइड्स होते हैं डाउन द रूप में फिर से क्या है बॉन्ड बॉन्डेंट घटेगा तो उनका सीरीडी क्या बढ़ेगा तो ये ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा उसके नीचे जो है आपके कार्बन फैमिली का ऑक्साइड्स दिया हुआ है और उनको बोला गया उनको इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है यानी खुद होगा रिड्यूज और दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज तो ध्यान देंगे सारे का प्लस फोर स्टेड है तो प्लस फोर स्टेट का जो स्टेबिलिटी होता है डाउन द रूप में डिक्रीज करता है तो जितना आप आगे जाओगे उतना ही वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा दूसरे को क्या करना चाहेगा ऑक्सीडाइज करना चाहेगा यानी जो प्रॉपर्टी ये भी प्रॉपर्टी क्या है सही है ठीक इस इस है तो इसमें ऑप्शन ए सी डी करेक्ट है ऑप्शन बी क्या है इनकरेक्ट है यानी अपने जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर दिया हो सही नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बी तो था बचलो एस एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बचलो बोला गया इसमें चार स्टेटमेंट दिया हुआ है चारों में इनकरेक्ट कौन सा है तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अमोंग आइसोट्रोनिक स्पेसिज स्मॉलर द चार्ज पॉजिटिव ऑन कटाइन द आ रेडियस ये गलत है क्यों जितना चार्ज कम होगा जैसे एन ए प्लस है एम जी प्लस टू है और एल प्लस थ्री है अगर चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होता है यहाँ दिया हुआ साइज छोटा होता लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है यानी ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा और यही हमारा आंसर होगा बाकी ऑप्शन आप भी आप चेक कर सकते हो

इनकरेक्ट होगा ऑप्शन ए आपका आंसर होगा तो ये था इस क्वेश्चन का analysis solution move करता नेक्स्ट पे बच्चों इस question में आपका सोडियम है, है कितना दिया हुआ है आपके पास 5.1 पॉइंट वन वोल्ट आपसे पूछा गया है कि सोडियम प्लस का क्या गेन यानी सोडियम प्लस जो है अगर ट्रोन गेन करेगा तो कितना एनर्जी निकलेगा तो ध्यान देना चूंकि आपको फॉरवर्ड प्रोसेस का एनर्जी पता है तो बैकवर्ड प्रोसेस का एनर्जी क्या होगा तो माइनस फाइव पॉइंट वन अगर आपका टोन निकालने में एनर्जी देना पड़ रहा है वन। तो डालने में क्या होगा वापस आपको उतना ही निकलेगा तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा आंसर तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ क्वेश्चन पे चलो इस क्वेश्चन बोला गया इन सारे ऑक्साइड्स में कौन सा एम्फोट्रिक होगा तो ध्यान देना एम्फोट्रिक ऑक्साइड की लिस्ट में हम लोग चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है उसको आप प्रॉपरली देख लेना क्योंकि एम्फोट्रिक ऑक्साइड पर क्वेश्चन हमेशा आता है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो इसमें इम्पोर्टिक कौन होगा तो इम्पोर्टिक होगा ऑप्शन ए तो ये था इसका करेक्ट आंसर एनालिसिस मूव का तो था नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो आपसे हमने कुछ आइसोटोनिक स्पीसी दिए हुए हैं और बोला है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइनिक रेडिया के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो ध्यान देना जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज क्या होगा लार्ज होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट जेड कौन होगा सल्फर का होगा देन क्लोरीन का देन पोटेशियम देन कैल्शियम इन्हों आपका ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों लोग आपसे हम चार एलिमेंट दिया हुआ है ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन और इनको अरेंज करना अल्ट्रॉनगेंथेलपी के इनक्रीजिंग ऑर्डर में तीन चारों में सबसे लिस्ट हो तो अल्ट्रोनगेंथेलपी क्या होगा ऑक्सीजन का होगा देन सल्फर का देन फ्लोरीन का सबसे हाइस्ट होता है किसका क्लोरीन का अगर ये ऑप्शन को देखोगे तो किससे मैच करेगा तो मैच करेगा हमारे ऑप्शन बी से तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों लोगों से हमने चार एलिमेंट दिया हुआ है कैल्शियम मैग्नीशियम फॉसफोरस एंड क्लोरीन तो मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन सेम पीरियड का एलिमेंट है और कैल्शियम एक नीचे वाला है अब इसको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इनकीजिंग ऑर्डर में तो सबसे जो लोएस्ट होगा इसमें होगा क्लोरीन क्योंकि लौन्द पीरियड में साइज घटता है तो मैग्नीशियम फॉसफर क्लोरीन में साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम का देन फॉसफरस देन क्लोरीन और सबसे बड़ा हो जाएगा कौन कैल्शियम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आपस हमने चार सॉल्ट दिया हो और बोला गया किस सॉल्ट में कटायन बाई अनायन का रेशियो हाईएस्ट होगा तो धन ना आपको बस फोकस करना है कि ऊपर कटायन है और नीचे क्या है अनयन है तो आप देखो कि आनान किसमें छोटा और कटान सबसे किसमें लार्जेस्ट है तो ध्यान देंगे ऑप्शन बी जो है उसमें सी सबसे लार्जेस्ट साइज का है और एफ जो सबसे छोटा साइज का है तो ये रेशियो क्या होगा रेशियो सबसे बड़ा होने वाला है तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव समूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों बच्चे आपको सामने चार एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है और बोला है इन चारों में कौन सा एलिमेंट का जो एनसन थेल्पी होगा हाइएस्ट होगा तो ध्यान देना सारे एलिमेंट्स का टोम नंबर पता कर ले तो पहला एलिमेंट का होगा फोर्टीन देन इसका होगा थर्टीन ये होगा फिफ्टीन और ये होगा थर्टी थ्री अब इस एलिमेंट को अरेंज कर ले पे टोल में तो थर्टी मतलब अल्मोनियम फोर्टीन मतलब सिलिकन फिफ्टी मतलब फॉस्फोरस और आपका थर्टी थ्री मतलब आर्सेनिक यहाँ होगा अब इसको देखोगे तो लॉन्ग द पेट में क्या होता है भी बढ़ता है तो अल्मोनियम सिलिकन फॉसफोरस में सबसे साइज फॉस्फोरस होगा और फॉस्फोरस जब आर्सेनिक मूव करो डांडो ग्रुप में तो एनसिनथल भी, 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 भी क्या होगा घटेगा तो सबसे हाइस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा फॉस्फोरस का तो आंसर जो होगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आपके सामने कुछ आइसोल्टोनिक दिए हुए हैं और बोला है इनमें कौन सा जो ऑर्डर है करेक्ट होगा तो ध्यान देंगे ये सब का सब आइसोल्ट्रोनिक है तो जिसका जेट छोटा होगा साइज क्या होगा लार्ज होगा तो उस ऑर्डर पे चलेंगे तो आपका जो आंसर होगा आंसर ए मैच करेगा सल्फर का सबसे जेड छोटा है फिर क्लोरीन फिर आर्गन फिर पोटेशियम फिर कैल्शियम तो एसल्ट्रॉनिक में क्या है अगर जेड छोटा होगा साइज बड़ा होगा तो था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत चलो आपस समय चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ एलिमेंट्स और बोला है इन सारे में कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसका आर एसन थैलपी लिस्ट होगा तो ध्यान देंगे ए ऑप्शन का एलिमेंट होगा नाइट्रोजन होगा बी का सोडियम होगा सी वाला नियन है और डी जो है वो बेसिकली फ्लोरीन है इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग प्रोड्यूट क्लासिफिकेशन के लोकेशन के अकॉर्डिंग तो प्रोड्यू क्लासिफिकेशन में इस तरह से अरेंज होता है नाइट्रोजन यहाँ होगा फिर फ्लोरीन, फिर नियन और आपका सोडियम कहीं यहाँ पर होगा तो सबसे लिस्ट जो होगा लिस्ट होगा सोडियम का द दीर में क्या होता है आपका इंक्रीज करता है डाउन द में डिक्रीज करता है तो सोडियम तो क्या है उसके नीचे वाले पीरियड का है और नीचे भी है तो क्या होगा सोडियम का वैल्यू क्या होगा लिस्ट होगा ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एलाइसिस मूव होता हूँ नेक्स्ट ने क्वेश्चन पे कुछ लोग आपके पास चार अनायन दिए हुए हैं और बोला है इसमें किस अनायन का प्रोटोन एफिनिटी हाइएस्ट होगा यानी एच लेने का टेंडेंसी हाइएस्ट सिंपल सा बात है जो अनायन सबसे अनस्टेबल होगा उतना ही इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ज़्यादा बेसिक होगा तीन चारों अनायन में सबसे अनस्टेबल अनायन कौन सा होगा तो ध्यान देंगे सबसे अनस्टेबल होगा एन एस टू माइनस क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिविटी कम होता है प्लस इसका साइज छोटा होता है इसलिए सबसे अनस्टेबल अनायन होगा तो इसका प्रोटोन लेने का अफेरिटी सबसे हाइएस्ट होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता तो हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ ऑक्साइड का लिस्ट दिया और बोला इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा तो ध्यान देंगे आप इन सबको देखोगे तो एस सी ओ टू का नेचर एसिडिक होता है एल टू ओ थ्री क्या होता है एम्फोड्रिक होता है बचा एस पी टू ओ थ्री बी आई टू थ्री तो एस पी टू ओ थ्री भी कहीं ना कहीं एम्फोड्रिक होता है और बिस्मत सेम ग्रुप का फैमिली सेम ग्रुप का है और नीचे का होता है तो इसका नेचर बेसिक होता है ये क्या होता है बेसिक होता है तो इन तीनों में चारों में सबसे बेसिक बेसिक एक ही आपको दिख रहा है बी आई टू थ्री तो वही क्या होगा मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पहला वाला ऑक्साइड जैसी है एसिडिक होता है नेचर में सेकेंड वाला क्या होता है एम्फोट्रिक होता है एस बी टू भी क्या होता है एम्फोट्रिक होता है ठीक है इनफैक्ट एम्फोट्रिक ऑक्साइड का लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे प्ले में एम्फोट्रिक ऑक्साइड लिस्ट का एक प्रॉपर कलेक्शन दिया हुआ है विथ आपका शॉर्टकट्स के ट्रिक के साथ तो उसको आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आने का हाई चांसेस रहता है तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लोग आपसे हम चार एलिमेंट दिया हुआ है ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन और इनको अरेंज करने अल्ट्रोनगेंथेलपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीन चारों में सबसे लिस्ट होता हो तो अल्ट्रोनगेंथेलपी क्या होगा ऑक्सीजन का होगा देन सल्फर का देन फ्लोरीन का सबसे हाइस्ट होता है किसका क्लोरीन का अगर ये ऑप्शन को देखोगे तो किससे मैच करेगा तो मैच करेगा हमारे ऑप्शन बी से तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों लो आप सामने कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और बेसिकली सारा सोडियम का कंपाउंड है तो सोडियम ऑक्साइड है सोडियम सल्फाइड है ठीक है और सोडियम सिलेनाइड है एंड सोडियम ट्राइड है और बोला है इनके पीएच को दिया मेंशन किया हुआ है बोला है पीएच का ऑर्डर क्या होगा तो ध्यान देंगे यानी ग्रुप सिक्सटीन का आपका सबके पास अनायन बना हुआ है तो अब ध्यान ना जैसे डाउन द रूप में मूव करो साइज क्या होता है साइज बढ़ते जाता है और साइज बढ़ेगा तो अनान का क्या होगा बढ़ेगा तो उनका बेसी नेचर क्या होगा बेसी नेचर क्या होगा घटेगा तो उसका पीएच भी क्या होगा कम होगा तो सबसे हाईएस्ट पीएच कौन है किसका होगा सोडियम ऑक्साइड का फिर सल्फाइड का यानी ऑप्शन जो ए होगा ए होगा आपका करेक्ट आंसर यानी जैसे सब अनान नीचे मूव कर रहा था स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उनका बेसिक नेचर क्या होता है डिक्रीज करता है यानी इनका पी भी क्या होगा कम होगा उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लिए तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बस चलो इस क्वेश्चन बोला गया कि आनिक रेडियाई किसके साथ मैच करेगा तो ध्यान देना आनिक रेडियाई बेसिकली क्या होता है आपके जेड इफेक्टिव के साथ यूनिवर्सिटी पर होता है जितना जेड बढ़ेगा उतना आनिक रेडिया क्या होगा छोटा होगा तो ऑप्शन जो ए होगा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो आपका ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो वापस हमने कुछ आइसोल्ट्रॉनिक्स पेस लिया और बोला है इनके साइज का जो ट्रेंड होगा क्या फॉलो करेगा तो ध्यान देना जिसका जेट छोटा होगा साइज बड़ा होगा यानी आपका जो आने के रेडिया इनका रहेगा वो अल्मोनियम का सबसे छोटा होगा और अल्मोनियम से ऑक्साइड तक में क्या होगा एक सिग्निफिकेंट इनक्रीज होगा ठीक तो अगर इसको देखोगे तो आपका जो इनक्रीज होना चाहिए एल प्लस थी से ऑक्साइड में इनक्रीज होना चाहिए इसको आप रिवर्स बोल सकते हो कि ऑक्साइड से एल प्लस थ्री मूव करो तो आपको सिग्निफिकेंट क्या होगा डिक्रीज दिखेगा तो यहाँ पर रेडियस घटेगा और यहाँ रेडियस बढ़ेगा तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट से मैच कर रहा है तो हमारा जो ऑप्शन बी है स्टेटमेंट से अपना मैच कर रहा है कि एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो फ्रॉम ऑक्साइड टू तो एल प्लस थ्री तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मै चलो आपके से सामने एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और बोला है इसको किस ग्रुप में आप प्लेस करोगे तो ध्यान देना ये जो एलिमेंट है इसका नंबर होगा ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं इसका कॉन्फिग्रेशन जो होगा इन नोबल गैस में क्या हो जाएगा आर्गन फोर एस टू थ्री डी थ्री एलिमेंट को अगर देखो तो एलिमेंट ये कौन सा एलिमेंट होगा ये होगा वैनेडियम भी अब ध्यान देना ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा डी में जा रहा है तो उसमें ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं तो आप एस इलेक्ट्रॉन को और डी के ट्रोन को ऐड कर लो तो एस में दो ट्रन है डी में तीन ट्रोन है दोनों तो को ऐड करने पे कितना होगा फाइव तो होगा जैसे ग्रुप नंबर होगा फाइव ऑप्शन ए होगा करेक्ट तो ये था इस क्वेश्चन का एलाइसिस तो में होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आपसे सामने कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं और बोला इसमें कौन सा रॉन्ग होगा तो है ना पहला वाला जो आपका ऑर्डर है ए में उसमें आपका ग्रुप फिफ्टीन का हाइड्राइड्स है डाउन ग्रुप में क्या होता है बाउंड स्टेंथल क्या होता है घटता है तो उनका नेचर क्या होगा बढ़ेगा यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा जो सेकेंड बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपके फर्स्ट सेकेंड पेड के ग्रुप पेड uh, का एलिमेंट का फर्स्ट अनेशियम पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसमें दिक्कत क्या है कि बेरिलियम जो होता, होता है फुलफिल होता नहीं इसका आउटर मोस्ट में एस टू होता है तो इसका जो आनेशियम पोटेंशियल का वैल्यू है वो बोरन से आगे होना चाहिए था यानी ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट होगा तो यही हमारा आंसर होगा बाकी सी ऑप्शन में आपके पास ऑक्साइड दिया है उसको बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो ये सही है क्योंकि अल्मोनियम इन्फोट्रिक होता है मैग्नीशियम और सोडियम में क्या होता है बेसिटी बढ़ता है और सोडियम के ग्रुप में ही नीचे की तरफ होता है पोटेशियम तो डाउन रूप में बेसिसिटी और क्या होगा डाउन रूप में बेसिटी और क्या होगा इंक्रीज करेगा इसलिए पोटेशियम का ऑक्साइड और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा उसके वाले डी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आपका ग्रुप बन के आयंस का रेडियस दिया हुआ है तो डाउन रूप में क्या होता तो है रेडियस बढ़ता है तो ये भी ऑर्डर क्या होगा करेक्ट होगा तो अल्टीमेटली कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट था तो बी इनकरेक्ट था तो बी होगा आपका आंसर ए था इस क्वेश्चन एनालिसिस मूव करता नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलो अब सामने कुछ एलिमेंट दिया हुआ और उसको फर्स्ट आनेशियम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है तो बेरेलियम बोरोन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ध्यान देंगे तो बेरेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब सेम पेड़ का एलिमेंट है तो इधर बढ़ना चाहिए था थाल पी बट ध्यान देना यहाँ पर एक्सेप्शन कहाँ होता है एक्सेप्शन होता है बेरिलियम जो होता है फुलफिल्ड होता है एस तो टू होता, होता, होता है तो इसका जो वैल्यू होता है बोरोन के यहाँ पहुँच जाएगा यानी बेरिलियम का पोजिशन यहाँ पहुँच जाएगा और नाइट्रोजन क्या होता है पी में हाफ़ फिल्ड होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है ओ के आगे निकल जाता है यानी आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा उसमें एन होगा फिर ओ होगा फिर सी होगा फिर बी होगा और लास्ट में क्या होगा बोरोन होगा ऑर्डर किससे मैच करेगा तो ऑर्डर देखना आपके ऑप्शन ए से मैच कर रहा है यानी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ उन्होंने आपके सामने बेरेलियम ने बोरून का फर्स्ट अनेशन थेल्पी का वैल्यू दिया हुआ है और बोला है कि कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा ध्यान देना ये क्वेश्चन वैल्यूज का नहीं है आपको डरना नहीं है कि आपको वैल्यू याद कर रखना है आपको बस ये पता होना चाहिए कि बेरेलीम और बोरोन में किसका अनर्सन थेल्पी ज्यादा होता है तो आपको पता है कि बेरेलीम का एस टू कॉन्फिग्रेशन होता है आउटर मोस्ट तो इसका जो वैल्यू होता है बोरोन से आगे निकल जाता है ठीक तो यानी वैल्यूज में बेरिलियम का वैल्यू बोरोन से आगे होगा तो देखो किस जगह पे बेरिलियम और बोरून का वैल्यू के में बेरिलियम का वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन तो वो दिखेगा ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा तो ध्यान देना कभी कभी क्या होता है कि एन क्या होता है आपके साइकोलॉजी से खेलता है तो आपको लगेगा कि इसमें वैल्यूज याद नहीं तो क्वेश्चन कैसा बनाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं था आपको बस पता होना चाहिए था कि किसका वैल्यू हाई होता है तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो इस क्वेश्चन में आयोडीन का कटायन यानी आई प्लस और आई माइनस एन आर्डिन के साइज को अरेंज किया गया था देना आपका जो नेगेटिव चार्ज का साइज होता है वो जा, बढ़ जाता है यानी सबसे ज्यादा साइज होगा अनायन का फिर न्यूट्रल एटम का और सबसे छोटा होगा कटायन का, का। तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन अरेंज किया होता है ध्यान देना

आयन लिखा हुआ है और बोला है किसका स्मॉलेस्ट साइज होगा तो ध्यान ना जो साइज होता है वो जेड के अनुभसिव प्रपोर्सन होता है तो जिसका जेड लार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा जेड लार्जेस्ट इसमें किसका होगा अल्मोनियम प्लस थ्री का तो ये था ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर तो बच्चे मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस पे बच आपके सामने एक एलिमेंट का कॉन्फिग्रेशन दिया हुआ है और बोला गया इस एलिमेंट का जस्ट बिलो में जो एलिमेंट होगा उसका टोमी नंबर क्या होगा तो ध्यान देंगे जो एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन दिया हुआ स्केट्रॉन का जब एडअप करते हो तो इसका जो जेड निकल के आता है निकल के आ जाएगा पंद्रह यानी एलिमेंट जो है फॉसफोरस हो गया अब फॉस्फोरस के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट होता है तो यहाँ ना इस जेड में आप एटीन ऐड कर दो अठारह ऐड कर दो तो यह आ जाता है थर्टी थ्री यानी फॉस्फोरस के नीचे जो जस्ट एलिमेंट होगा वो होगा थर्टी थ्री, थ्री एल्टोमी नंबर का यानी एलिमेंट होता है आरसैनिक तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा आप इसको फर्दर अगर आपको टेबल अगर याद है तो उससे कुछ मना उससे कुछ मान सकता था तो आपके सामने मैंने प्योर टेबल सेट कर दिया है तो फिफ्टीन गेच में कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है आर सैनिक थर्टी तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस मूव करता नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलो आपके सामने ऑक्साइड का लिस्ट दिया हुआ और बोला इनमें कौन सा ऑक्साइड मॉस्ट बेसिक होगा तो ध्यान देने जेड एन वन एल टू तो थ्री जिंक और एलुमिनियम का ऑक्साइड इम्पोर्टेंट होता है मैनीशम का ऑक्साइड बेसिक होता है और एन टू ओ फाइव जो है ये क्या होगा एसिडिक होगा तो इसमें से एक ही बेसिक है कौन सा एम जी ओ तो यही होगा मॉस्ट बेसिक यानी ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट तो बच्चों लोग ये था हमारा आंसर अच्छा इसमें ध्यान देंगे आपके पास एम्फोट्रिक ऑक्साइड का दो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ था तो हमारे चैनल पे एम्फोट्रिक ऑक्साइड का एक जॉब लिस्ट शेयर किया हुआ विद प्रॉपर शॉर्टकट तो आपके एग्जाम में अम्फोटिक क्वेश्चन कहीं निका आने का हाई चांस रहता है तो आप लोग को एडवाइस किया जा रहा है उसे आप देख लें ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बेटर तरीके से प्रिपेयर हों उस क्वेश्चन के लिए तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलो आपको सामने एक टोम नंबर दिया हुआ थर्टी थ्री और बोला है सो तो किस ग्रुप में हम डालोगे तो थर्टी थ्री मतलब होता है आर्सनिक अगर आपको याद नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं बस कॉन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए तो कॉन्फिग्रेशन क्या होगा इसका इसका होगा आर्गन फोर एस टू थ्री डी टेन एंड फोर पी थ्री होगा इसका कॉन्फिग्रेशन ठीक है अब लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि पी में गया तो पी ब्लॉक का है और जो पी ब्लॉक में क्या होता है ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हैं तो पी इलेक्ट्रॉन में बारह जोड़ दो इसका जो ग्रुप नंबर होगा ग्रुप नंबर हो जाएगा तो पी इलेक्ट्रॉन में बारह जोड़ोगे तो पी में तीन प्लस बारह कितना होगा पंद्रह हो जाएगा तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा तो ग्रुप नंबर फिफ्टीन देखो आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या करना आपका जो पे टेबल का एक ओल्डर नेमिंग है ग्रुप्स का तो ग्रुप फिफ्टीन को हम समटाइम बोलते हैं ग्रुप फाइव तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रुप फाइव तो आपके सामने पेट टेबल में शेयर कर रहा हूँ ध्यान ध्यान देना जो थर्टी थ्री है आर्सनिक है वो ग्रुप फिफ्टीन या फिर ग्रुप फाइव आपको दिख रहा होगा फाइव इसका पार्ट है तो ये था इस क्वेश्चन का मूव अलाइसिस मोकर तो उन्होंने पर चलो यहाँ पे सोडियम के आयंस बना दिए गए हैं एन ए एन ए प्लस और एन ए माइनस और बोला इसमें लार्जेस्ट कौन होगा तो ध्यान देना अगर हम आयंस को देखते हैं तो सेम एलिमेंट में अगर अनायन बना हो उसका साइज क्या होता है न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है और छोटा क्या होता है कड़ाइन होता है तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो एन ए माइनस है उसका साइज़ क्या होगा लार्जेस्ट होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों पर चलो सामने हमने आइसोट्रॉनिक्स का लिस्ट दिया हुआ है और बोला है इसके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो ध्यान देना आइसोट्रॉनिक में साइज जो होता है इनवर्सिव प्रोपोर्शनल को क्या होता है जेड जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज लार्जेस्ट होगा तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा एन ए प्लस का ठीक देन क्या होगा एम जी प्लस टू का देन होगा एल प्लस देन होगा एस आई फोर यानी ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्चुअली इस क्वेश्चन बोला गया जब आप पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो एटॉमिक वॉल्यूम पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा तो ध्यान ना लेफ्ट राइट आप मूव करते हैं हम तो आपका रेडियस नॉर्मली क्या होता है घटता है बट जैसे आप मूव करते हो ग्रुप एटीन पे ग्रुप एटीन पे तो रेडियस अचानक से क्या होता है रेडियस क्या होता है बढ़ जाता है ठीक है इसके अलावा अगर बात करते हैं डी ब्लॉक का तो डी ब्लॉक में भी क्या होता है डी ब्लॉक में भी देखो ध्यान से तो रेडियस शुरू में क्या होता है रेडियस क्या होता है घटता है और इंड में क्या होता है रेडियस क्या होता है बढ़ जाता है यानी रेडियस का ट्रेंड रेगुलर नहीं है तो रेगुलर नहीं तो ऑटोमिक वॉल्यूम का भी ट्रेंड रेगुलर नहीं होगा तो इसमें भी होगा? क्या होगा आपका शुरू में आपका वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज करेगा और देन क्या होगा इंक्रीज़ करेगा यानी ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बिगनिंग में आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और लास्ट में क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि सेम जो रेडियस का ट्रेंड फॉलो होगा वही ट्रेंड फॉलो करेगा वॉल्यूम तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो तो आप सामने चार एलिमेंट का कॉन्फिग्रेशन दिया और बोला है कि किस एलिमेंट में सेकेंड आनेशन पोटेंशियल एंड थर्ड आनेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत लार्ज होगा तो ध्यान रखना ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो इलेक्ट्रॉन यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका सिस्टम जो है नोबल गैस उस कॉन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा तो वहाँ से फर्दर यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बहुत डिफिकल्ट होगा तो आप देखोगे तो हमारा ऑप्शन जो डी है उससे मैच करेगा क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा ना तो ये अचीव कर लेगा नियन को नियन इन यानी इन नियन के नोबल गैस कॉन्फर्सेशन अचीव कर लेगा तो थर्ड टो निकालना बहुत मुश्किल होगा तो इसमें थर्ड आंसर पर क्या होगा बहुत हाई हो जाएगा तो उसका डि -डि डिफरेंस होगा वो अब नॉर्मली हाई हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया बच्चों लोग कि नॉ मेटल के लिए इनमें कौन सा सही होगा तो ध्यान देंगे नॉ मेटल सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो इसलिए गलत हो जाएगा नॉ मेटल बेसिकली फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड इसलिए भी क्या रॉन्ग हो जाएगा नौ मेटल जनली क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके अनयन फॉर्म करता हो तो यहाँ पर कटान लिखा हो तो भी क्या हो गलत हो जाएगा नौ मेटल सर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जहाँ पे कटान बाय अनायन का जो रेशियो होगा वो मिनिमम होगा तो मिनिमम तभी होगा जब कटान का साइज छोटा होगा और अनयन क्या होगा लार्ज होगा इवन ऑप्शन में अनायन लार्ज जो है आपको दिख रहा है किसमें है सी एल माइनस में और कटाइन से तो छोड़ा कि कौन होगा एम जी प्लस टू होगा यानी ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लोग आपके सामने कुछ लिस्ट दिया हुआ है और बोला है किस लिस्ट के एलिमेंट्स का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगा अनयन फॉर्म करने का तो ध्यान ना अनयन फॉर्मेशन बेसिकली नॉम मेटल का एट्रीब्यूट्स होता है तो इसमें ध्यान देंगे किस लिस्ट में आपके पास नॉम मेटल्स है तो ऑप्शन सी में नॉर्म मेटल्स है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन तो इनके अनान फॉर्म कर टेंडेंसी इन सारे ग्रुप लिस्ट में से हाईएस्ट होने वाला है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बस चलो अब सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और बोला है किस फैमिली का एलिमेंट्स का अनान फॉर्म करने का टेंडेंसी हाइस्ट होता है ना जिस फैमिली में, में कैटर हाइस्ट होगा तो जो होता है आपके हालोजिन फैमिली में क्योंकि जब आप मूव करते हो लेफ्ट से राइट पीरियड में तो आपका नॉन मेडालिक करेक्टर एन एम सी इंक्रीज करता तो हाइएस्ट होता किसके लिए नोबल आ, हालोजन फैमिली के लिए तो हालजन फैमिली के लिए हाइस्ट हो जाएगा तो वहाँ का जो एलिमेंट्स है वन एन फॉर्म मशन में इजिली पार्टिसिपेट करता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी होगा करेक्ट आंसर तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव होता उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बस चलो आपके सामने चार एलिमेंट का कॉन्फिग्रेशन दिया और बोला इसमें कौन सा एलिमेंट है जो बाकी

तो मेटल करेक्टर पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है तो बहुत सिंपल सा चीज है कि जब आप मूव करते हो द पीरियड में तो आपका जो मेटलिक करेक्टर है वो डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप में मूव करोगे तो क्या होगा ए इंक्रीज करेगा तो डिक्रीजेज इन द पीरियड इन द ग्रुप ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ सामने चार एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बोले सबसे छोटा साइज किसका होगा तो इस एलिमेंट को मैं पीरियड टेबल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे लिथियम होगा उसके नीचे क्या होगा सोडियम होगा ये बेरेलीम होगा और ये मैग्नीशियम होगा तो डाउन द रूप में साइज बढ़ता है द देड में साइज घटता है तो धन ना ये दोनों साइज़ इंक्रीज करेगा और इधर साइज़ सबसे डिक्रीज करेगा तो सबसे छोटा कौन होगा इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे छोटा होगा बेरेलीम यानी बी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे